तिरानवे जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर रामविलास दास वेदंती हिंदू धाम उनके आश्रम पर आए रघुवंशी समाज के लोगों को तलवार भेंटकर विवादों में आ गए। अयोध्या में धारा 144 लागू है, ऐसे में तलवारें भेंटकर धार्मिक नारे लगाना धारा 144 उल्लंघन किया गया है। एसएसपी आशीष तिवारी ने सीओ अयोध्या को जांच सौंपी है। यह वीडियो कल का है जब उन्होंने अपने आश्रम पर आए रघुवंशी को तलवार भेंट किया। वहीं रघुवंशी समाज से जुड़े प्रदीप सिंह रघुवंशी का कहना है कि रघुवंशियों का प्रतीक है तलवार, जिसे धर्म के लिए भेंट की गई है। वहीं बाबरी मस्जिद के पत्रकार हाजी मोहम्मद ने इसका विरोध किया है। अब इस संबंध में जो चर्चा प्रकाश में आई थी कल, जो है ना, तो श्रीमान वशपुरी निरीक्षक महोदय द्वारा जांच सौंपी गई है। इस संबंध में जांच की जा रही कि इसमें उनकी क्या मंशा थी और कहां का ये है स्थल है जहां पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस संबंध में जांच करके जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। कहने क्या भैजान जी ने, तो इंसान बहुत ऊँची हस्ती है, फॉरवर्ड आदमी है, उनको क्या कहना है। उनके बारे में तो दुनिया जानती है कि वो चील का पहाड़ बनाना चाहते हैं हमेशा, और उन्होंने जो भी किया है दफा 44 के खिलाफ वर्जिश की है। इसको तो प्रशासन को चाहिए उनके खिलाफ उनसे पूछें या उनके खिलाफ जो भी कदम उठाना चाहे, तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस पर गौर करें। सबसे पहले तो मैं प्रदीप सिंह रघुवंशी मूलतः बनारस के निवासी हूँ और लखनऊ में रहता हूँ। मैं महाराज डॉक्टर वेदांति जी का बहुत बड़ा आभारी हूँ, उन्होंने मुझे लायक समझा कि धर्म की सेवार्थ इस अयोध्या रामनगरी अयोध्या में बुलाया और सम्मानित किया। और ये तलवार एक प्रतीकात्मक चिन्ह है धर्म की रक्षा के लिए। क्षत्रिय धर्म हमारे कुल में पैदा है, ऐसा नहीं है, भारत का हर नागरिक का कुल वही है। जो हमें जागने की, हमें धर्म के प्रति जागने की जरूरत है और इसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए ये चीज़ें हो रही हैं और मैं अयोध्या नगरी में आके बड़ी गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ और संतों का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ, सभी संतों का, सभी अखाड़ों का, सभी संतों का, इस लायक समझा मुझे कि आशीर्वाद प्रदीप सिंह रघुवंशी।